ये देखो गाइस जो मेरे आगे कार है ना चॉइस, ये भी वीवीआईपी नंबर जैसा लग रहा है। इसके अंदर इसके बाद इसको फिक्स भी करवाने जाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये है बाइक के लिए मोबाइल का नया होल्डर। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला है, इससे पहले जो यूज कर रहा था वो ये कर रहा था सिलिकन वाला मोबाइल होल्डर। इसमें ना ये 360 होता था, पिछली बार जब आप लोग रोज गार्डन गए थे तो ये वाला एक तरफ का पता नहीं कैसे अपने आप टूट गया। देख सकते हो यहाँ पे एक तरफ का टूट गया, तो इसका कोई भरोसा नहीं है किसी वक्त भी ये खुल के गिर सकता था, इसलिए मैंने नया वाला ऑर्डर कर दिया। तो नया थोड़ा अलग मॉडल का है, दिखा देता हूँ कैसे है। कुछ इस टाइप का है ये वाला नया वाला जो है। क्वालिटी फोन होल्डर लिखा हुआ है और पीछे ईशान हल्ला कर रहा है इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। एलॉयज, ये एल्युमिनियम का है, बिल्ड क्वालिटी 360 रोटेशन है, कलर ये है, फोन होल्डर है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है इसका। तो इसको जल्दी से फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर। इसके बाद इसको फिक्स भी करवाने जाना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर एक तो पेपर से, इसमें तो दो वर्जन आता है, एक विदाउट चार्जर आता है और एक चार्जर के साथ आता है। जो मैंने लिया है वो चार्जर वाला लिया है। उस पर ये वही चार्जर जो है, चार्जर का केबल है, इसको निकालते हैं। ये है मेन होल्डर, ये पूरा एल्युमिनियम का है और क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। होप इसमें मोबाइल ठीक ठाक आएगा। इसको घुमाने पर एक्सपेंड होता है, कर सकते हैं। इसको मैं मोबाइल लगा के दिखाता हूँ थोड़ा देर में। ये स्पंज है इसी के लिए और इसमें फिर स्क्रू दिए हुए, ये जो है ये रबर है, ताकि इसको इस पर से उखाड़ के यहाँ पे लगाने के लिए कॉर्नर पे, ताकि मोबाइल कोई इशू स्क्रैच वगैरह ना आए और अच्छे से ग्रिप रहे। ये रबर का एक एलन की भी दिया है इसमें टाइट करने के लिए, जो कि ये स्क्रू उसी से टाइट होगा। दो स्क्रू है इसमें, ऐसे लगेगा हैंडल के ऊपर, यहाँ पे स्क्रू लग जाएगा। ये तो मैं खुद से भी कर लूंगा, लेकिन ये है कि चार्जर को कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अच्छे से टाइट हो जाएगा इससे, मतलब सारे टूल दे दिया इन्होंने। ये चीज अच्छा क्या कि एलन की इन्होंने दे दिया, एलन की दिया तो ये खुद से भी हो जाएगा, घर पे हैंडल पे लॉक हो जाएगा और ये 360 डिग्री रोटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चार्जर है, मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेडमी का तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही चौड़ा है। क्या हुआ ईशान, इसको एक बार अगर टाइट कर दो घुमा के तो ये फिर कितना भी उल्टा करो ये नहीं गिरेगा, ये अच्छे से पूरा फिट होगा। यहाँ पे बटन भी प्रेस करने के लिए कोई मतलब ऑब्स्टेकल नहीं है, ये ठीक ठाक यहाँ पे प्रेस हो जा रहा है। ये तो मैंने लगा दिया है यहाँ पे, खुद से ही लगा दिया, लेकिन अभी जाना पड़ेगा ये चार्जर फिट करवाने के लिए, तो जाना ही पड़ेगा। ये फिट हो गया ठीक ठाक। तो ये है आज का लंच, ईशान भी यहाँ बैठा है। ईशान बैठ के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, खाता कुछ नहीं बस एक्साइटेड हो जाता है। और ये है चिकन, ये है कोफ्ता, गोभी कोफ्ता है ना, गोभी का कोफ्ता, दाल चावल, बस यही है आज का खाना। तो लेट्स एंजॉय। क्या है इशू, ये क्या है? खाने के बाद सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाएंगे, बाइक में चार्जर फिट करवाना है, खाने के बाद फिर चलते हैं। मैं आता हूँ ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो गए, चलते तो हैं यहाँ से, अभी आज मोटर वॉक करेंगे। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, बस इसका चार्जिंग वर्जिंग फिट करवाना है। हेलमेट में माउंट करवा के जाने में भी ना एक और लगता है थोड़ा सा। वॉलेट ले लिया है मैंने, सब कुछ लगभग ले ही लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन है ये? अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली सेक्टर 48। असल में ये बाइक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है पुराना। आप सोचोगे कि मैं नया क्यों ले लेता हूँ, चेंज क्यों नहीं होता। इसका रीज़न ये है ना कि
आप इसका नंबर देखोगे तो वीवीआईपी नंबर है पूरा एकदम, जो आपको 1.5-2 लाख खर्च करने पे भी नहीं मिलता है, ऐसा नंबर है। इसलिए मैं इसको बदलना नहीं चाहता अभी। और ये तो मैं यहाँ पे टेम्प्रोरी यहाँ के लिए है ये बाइक, यहाँ पे अगर कहीं टूर पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है तो उसके लिए बढ़िया है, अदरवाइज परमानेंट तो अपना वेस्ट बंगाल कोलकाता में है अगर, है ना, तो मेन रीजन यही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ 48 सेक्टर 48 में, होटल कार मार्केट। ये मेरे लेफ्ट साइड में डिस्पेंसरी है, सिविल हॉस्पिटल है, ईशान का बर्थ यहीं पे हुआ था, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 45 पे। तो जाने का मेन जो रीजन है ना वो इसका ये है कि इसमें काफी सारा काम करवाना है, जैसे कि इसका हाइड्रोलिक का मेरे को इसमें से तेल लीक होता है, उसमें सीलेंट लगवाना है, ऑयल होता है जो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक में लगता है बाइक के, तो वो लीक हो रहा है और वहाँ तो उसको उसमें तेल भर के वो लोग फिर उसको सील कर देंगे, तो आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगा ये इशू। और यहाँ से अभी लेफ्ट जाएंगे हम, बहुत दिन बाद ऐसे मोटो ब्लॉग करके अच्छा लगा, पूरा सेटअप नहीं हुआ इसलिए मैं मोटो ब्लॉग ज़्यादा करता नहीं हूँ। रीज़न ये है ना कि इसके लिए मेरे को एक एडेप्टर लेना पड़ेगा, तो एडेप्टर तो मैंने अभी लिया नहीं है। अभी जो मैं कनेक्ट करके मतलब माइक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और जो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा वाला वो कैमरा गोप्रो से हो रहा है, गोप्रो हीरो 9 से। मैं लेफ्ट जाना था लेकिन आगे फोर व्हीलर है ना, ये देखो गाइस जो मेरे आगे कार है ना चॉइस, ये भी वीवीआईपी नंबर जैसा लग रहा है देखा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ का सीरीज ही ऐसा है CHO, अगर ये 1 को आई जैसा लिख देंगे ना तो चॉइस हो जाएगा पूरा CH01CE चॉइस 5.21। देख रहे हो कितना कमाल का चीज़ है ना, चॉइस 5.1 नंबर याद करना कितना आसान है। तो चल दे यहाँ पे मैं निकल जाता, बस आगे एक फोर व्हीलर खड़ा था बोल के मैं इस साइड से निकल नहीं पाया, नहीं तो यहाँ से मैं इजीली निकल जाता, मैं इतना देर वेस्ट करवा दिया इसमें। सो बहुत दिन बाद ये चंडीगढ़ के सड़कों पे यार चला के मज़ा आ रहा है, मतलब चलाता तो हूँ लेकिन मोटो ब्लॉग करने में भी बहुत इसका अलग ही मज़ा है। और पता है गाइस यहाँ पे पहले मैं ऑफिस जाने का जो रास्ता था वो यहाँ से था, और यहाँ से दिल्ली का मेरा जाना आना था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है यहाँ से मैं पेट्रोल भरवाता हूँ तो ये पूरा बंद है, इन्होंने बंद कर दिया ये चौरास्ता था यहाँ पे, पता नहीं बंद करके क्या करेंगे, मे भी यहाँ पे सर्कल बनाएंगे या कुछ, क्योंकि चंडीगढ़ का जितना भी जो मोड़ होता है ना वो सर्कल से ऐसे घूम के बनाया हुआ है, और यहाँ पे सर्कल नहीं था बस ऐसे मोड़ था, ट्रैफिक लाइट यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता था उसकी वजह से, तो आई गेस कि यहाँ पे ये लोग बंद करके वो सर्कल वाला बनाएंगे, काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो यहीं से मैं निकल जाता अगर 48 जाने के लिए ईजी होता है यहाँ से, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, घूम के मेन रोड है जो मोहाली का, आप पहुँच के फिर राइट ले लेंगे राइट। पता नहीं रिकॉर्ड कैसा आ रहा है, पूरा विंड ब्लास्ट आ रहा है ना, तो देखते हैं यार ये इसमें वायरिंग का भी काम है थोड़ा, ये चार्जर जो लगवाना था लटका हुआ है इसको लगवा लूँगा, ये तो फिट हो गया मैं नहीं कर लिया, लेकिन अब इसके लिए कहाँ लगाएंगे वो लोग, क्योंकि इग्निशन से मुझे कनेक्ट करवाना है, जब ये चाबी ऑन हो तभी ये वर्क करे अदरवाइज ना करे, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी पर कनेक्ट करे तो उस पर जोर पड़ता है बैटरी पर ना, इसलिए हम वैसे करेंगे, तो इसलिए मुझे मोटर बाइक रिपेयरिंग वाले के पास जाना पड़ेगा। फिर से यहाँ 51 सेकंड का ब्रेक, बस राइट लेंगे राइट लेके फिर से राइट घूम जाना होगा, वो अगर रास्ता खुला होता तो वहीं से पहुंच जाते, ये मेन रोड पे आने का जरूरत नहीं पड़ता, अभी हमें मेन रोड पे जाना पड़ रहा है जी। सो यहाँ से अभी राइट टर्न लेते हैं, और ये मोहाली का मेन रोड है, ये सीधा जाने से पंजाब हम लोग चले जाएंगे। अभी मुझे फिर राइट टर्न लेना है इसलिए मैं राइट पे ही रहता हूँ, राइट के लेन पे ही रहता हूँ, लेफ्ट जाके फायदा नहीं है क्योंकि ये आगे से मुझे टर्न लेना है। और सामने देखो वेलकम टू दी पंजाब लिखा हुआ बोर्ड, जैसा कि मैंने बताया अभी वेलकम टू दी पंजाब नज़र आ रहा है बोर्ड वहाँ पे,
और ये बोर्ड तो फर्स्ट करते ही हम पंजाब में एंट्री हो जाएंगे, लेकिन इसी कारण से मुझे राइट पर जाना है अभी, आई गेस यहीं पे। तो यहाँ से टर्न लेते हैं, हम पंजाब में अभी गए नहीं, पंजाब से पहले ही घूम जा रहे हैं। ये रहा पूरा, हम पहुंच गए यहाँ पे, देखोगे ना गाइस पूरा फोर व्हीलर टू व्हीलर सारे चीज का रिपेयरिंग होता है यहाँ पे, कोई भी पार्ट सही होगा, बहुत बड़ा मतलब कि ये है। तो एंट्री होते हैं अभी अंदर और देखते हैं कौन हमारा रिपेयर करते हैं, किसी टेक्नीशियन को पकड़ना पड़ेगा आई गेस। ये कनेक्ट करना था इग्निशन से, हो जाएगा ना? किसे करना? इग्निशन से मतलब चाबी, जी चाबी देते ही कर देना है, तो वो हो जाएगा। एलईडी वाला जो आता है ना, वो वाला नहीं मिलेगा, वो केटीएम टाइप है। हाँ वो आता है, तो वो लग जाएगा ना इसमें। हाँ तो वो इंडिकेटर चेंज करनी है, चेंज करना है, वो लंबी वाली लगानी है। जी जो पैटर्न वाले, जी चारों चेंज होंगे ना फिर? हाँ चारों कर देना। तो कितना प्राइस होगा उसका? वो रबड़ का होता है ना उसका, वो फोल्ड होने वाला, फ्लेक्सिबल होता है। हाँ कितना प्राइस पड़ जाएगा उसका? ये वाले कितने के इंडिकेटर देखने में कौन सा है? एलईडी वाले बीच वाला 150 का पेयर है, 150 का पेयर। एक बार दिखाना तो उसका, पहले ही वर्क होगा दोनों, यही वाला है ना भैया? क्या भैया देखना भैया, यही है ना? 200 का है ये, मिंडा कंपनी का घर, वो लग कंपनी का। अच्छा तो कौन सा ये अच्छा होगा? ठीक है यही लगा दूं, तो इसको लगवा देते हैं दोनों को। और स्टिकर मिलता है क्या टैंक पे लगाने वाला स्टिकर? जैसे कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रेच आ गया है उससे। ठीक है ठीक है, इसको कर दो। क्या जी? हाँ जी भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, जुगाड़ करना पड़ता है, मैं पहले बता दूंगा, बाद में हम वो काम नहीं करते। तो कितना कितना लगेगा एक्स्ट्रा? और क्या करना है? और तो वही सोकर वोकर का काम करा ही रहे हैं सब। हाँ एक ये फिटिंग करना बस। हाँ एक चार्जर लगा रहा, चार्जर का तार लग रहा है, खाली वो कनेक्ट कर दो। 100 रुपए फिटिंग लगेगा सर। ठीक है बताइए, काम करना ज्यादा बढ़िया रहता। हाँ हाँ नहीं सही है, आप बता दिए वो सही है ना। सर्विसिंग मैंने करवाया था बीच में कुछ दिन पहले, उसके बाद चली नहीं है गाड़ी, लेकिन ये बहुत दिन से लीक हो रहा है, इसको ठीक से सील कर देना। भाई काम तो हो रहा है, बोल तो रहे हैं कर देंगे बोल के, आई थिंक सोकर का थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, बट चल जाएगा काम। यही नंबर का बात कर रहा था, 6786। डिस्क पैड भी खत्म हो गया भाई, बोल रहे चार्जिंग का भी देख लेना भैया वहाँ पर, फिर पैक कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने बाइक को रिपेयर करवा लिया, अभी इधर से निकल गया हूँ मार्केट से अब 48 के मोटर मार्केट से अभी निकल रहा हूँ मैं, वैसे तो रास्ता ही नहीं है, थोड़ा भरा पड़ा है। ये देखो भाई उस जमाने का एम्बेसडर कार,
से थोड़ा सा रास्ता में कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करता हूँ मैप लगा लेता हूँ। अच्छा खासा मोटा खर्चा हो गया यहाँ पे अभी ये सब गाड़ी पे रिपेयर बाइक पे रिपेयर कराने में। यही वाला रास्ता था, मैं बोला था ना वहाँ से मैं नहीं आ पाया क्योंकि ये सामने काम चल रहा था, और अभी जाते वक्त तो जा सकते हैं इधर से, लेकिन इधर से ब्लॉक किया हुआ था सही नहीं जा सकते। एक गोल चक्कर बन रहा है यहाँ पे, यही चीज़ मैं बोल रहा था, ताकि अच्छा है गोल चक्कर बनने से ना ट्रैफिक उतना नहीं लगता है, वो राउंड मार के निकल जाते हैं, जहाँ भी जाना होता है लोगों से चले जाते हैं इजली। और यहाँ पे सोच रहा हूँ कि चीन भरवा लूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने फिर साफ़ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने ही बाइक से फ्यूल निकाल लेते हैं पेट्रोल, तो अच्छा खासा निकाल लिए। दो सौ का कभी रिजर्व में नहीं रखता हूँ। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ नए जगह पे आज पहला मोटो ब्लॉग था चंडीगढ़ में, इस वक्त अभी यहाँ पे आने के बाद अभी भी पूरा सेटअप नहीं है मुझे, अभी गोप्रो के लिए अपना माइक अडेप्टर वगैरह लेके करना है, फिर जाके ये प्रोफेशनल मोटो ब्लॉग के लिए सेटअप हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में आवाज़ इतना मेरा अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट जो भी है जैसा भी है अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर गाइस। घर में तो आ गया मैं, ईशान मस्त अपना खेल रहा है, मैं जब गया था ना तो वहाँ पे फ़ोन करके रो रहा था, और ये नाक से क्या निकल रहा है बेटा, इसको सर्दी हो गया है बहुत तेज, इसका सर्दी जा ही नहीं रहा है पता नहीं क्यों, क्या हो गया बेटा इधर आप पूछ दो, ओहो बोलते भी नहीं हो, बोलना चाहिए ना आपको। अब अच्छा जा रहे हैं गाजर का हलवा खाने, देख के तो ज़बरदस्त लग रहा है, गर्मा गर्म है, सामान बनाया अभी अभी।